नमस्कार, टीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। नॉलेज बिट्स में आज हम पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में, आरबीआई के एवोल्यूशन के बारे में, आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में और आरबीआई अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वाह करने के लिए कौन कौन से कदम उठाता है इसके बारे में। सो विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश, लेट्स गेट द गीज। आरबीआई जो कि भारतीय अपेक्स बैंक है, अगर हम भारतीय बैंकिंग की बात करें, जो पैरामाउंट बैंक है, जो इस पोल में सबसे ऊपर आती है, वो है आरबीआई। आरबीआई की शुरुआत यहां पर हुई, देखिए, रॉयल कमीशन ऑन फाइनेंस एंड करेंसी ऑफ इंडिया, सॉरी, रॉयल कमीशन ऑन फाइनेंस एंड करेंसी एक कमीशन था जिसने सबसे पहले रिकमेंड किया कि भारत में एक सेंट्रल बैंक होनी चाहिए। आपको पता है उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रूल कर रही थी। देन एक बिल भी आया अगले ही साल, 1926 में रिकमेंडेशन आई, 1927 में ये बिल आया, लेकिन उस बिल को वापस लेना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ सम इंटरनल इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, लोगों का मतभेद हो गया और बिल को वापस लेना पड़ा। देन 1933 में एक नया बिल आया, जब व्हाइट पेपर आया उसने रिकमेंड किया कि भारत में एक नया सेंट्रल बैंक होना चाहिए, भारत में एक उसका सेंट्रल बैंक होना चाहिए। सो 1934 में एक फिर से बिल आया जिसे हम कहते हैं आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। इसी एक्ट के तहत आरबीआई एस्टेब्लिश हुई, इसने अपने ऑपरेशंस स्टार्ट किए 1 अप्रैल 1935 से। इस समय आरबीआई एक प्राइवेट बॉडी थी और इसकी पेड अप कैपिटल सिर्फ 5 करोड़ थी। मैं आपको बताता हूं पेड अप कैपिटल क्या होता है। पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जो प्रमोटर्स किसी बैंक को स्टार्ट करने के लिए डालते हैं। सो स्टार्टिंग में आरबीआई के पास जो कैपिटल रही होगी उसके प्रमोटर्स के द्वारा आई एम टेलिंग यू, सो वो थी 5 करोड़। तो ये उसकी पेड अप कैपिटल थी। जैसे मैंने बताया आरबीआई अभी एक प्राइवेट बॉडी है, राइट। लेटर ऑन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1949 में आरबीआई ने इसे नेशनलाइज्ड कर दिया, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे नेशनलाइज्ड कर दिया। नेशनलाइजेशन क्या होता है, कोई एक प्राइवेट बैंक है, अगर उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिग्रहण करती है उसका, तो उसे कहते हैं नेशनलाइजेशन। सो आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में। इसके लिए एक एक्ट आया था जिसे कहते हैं रिजर्व बैंक ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। इस एक्ट के तहत, रिजर्व बैंक ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 के तहत आरबीआई का 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ। इसके बाद की कहानी कुछ यूं है कि आरबीआई 1948 तक, आपको पता होगा, पाकिस्तान को भी बैंक की सर्विसेज देती थी। 1948 में आरबीआई ने ये सर्विसेज देना बंद किए थे। जो आरबीआई के पहले गवर्नर थे उनका नाम था सर ऑसबर्न स्मिथ, जो आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर थे उनका नाम था सीडी देशमुख। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबर्न स्मिथ, आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख। अभी आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये 25th गवर्नर हैं आरबीआई के, इन्होंने उर्जित पटेल को रिप्लेस किया। शक्तिकांत दास के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहें तो आप हमारी अगली वीडियो से जरूर जुड़े रहिएगा। आइए अब हम बात करते हैं आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। आरबीआई भारत का अपेक्स बैंक है, जैसे आपको पता है आरबीआई की इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज नॉर्मली दो तरीके की होती है इसकी, एक होती है ट्रेडिशनल, दूसरी होती है नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो होती है आरबीआई की जिसे आरबीआई हर समय करता है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्म करना हो, है ना, उसमें कोई रिफॉर्म करना हो, ये आरबीआई की ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आरबीआई की जो नॉन ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो सिर्फ केवल कुछ समय के लिए होती है, एंड दे आर डन अवे विथ व्हेन द टास्क इज कंप्लीटेड। फॉर एग्जाम्पल, भारत में इकोनॉमिक इंक्लूजन करना, है ना, जितने भी लोग हैं सबको इंक्लूड करना हो, सबका एक अकाउंट खुलवाना हो, सबको बैंक से जोड़ना हो, ये टास्क केवल कुछ समय के लिए होगा। जब लोगों का अकाउंट खुल जाएगा तब आरबीआई की ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दी जाएगी। सो ये हुई नॉन ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है, जब तक आरबीआई है तब तक उसे ये सारे काम करने हैं, अनलेस
पार्लियामेंट उसमें कोई रिफॉर्म कर दे। जैसे कि आपको पता है आरबीआई का निर्माण एक एक्ट के तहत हो रहा है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हो रहा है। तो आरबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मींस इसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, इसका जो भी ड्यूरेशन होगा, इसके जो भी पावर्स होंगी, उसके लिए लॉज पार्लियामेंट में बनाए जा सकते हैं। सो आरबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसे पावर्स इसके एक एक्ट से मिलती है जिसे कहते हैं आरबीआई एक्ट 1934। आइए बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्म करती है, आपको पहले पता है, इस पे बाद में आएंगे। अभी ये देखिए, आरबीआई बैंकर टू गवर्नमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी गवर्नमेंट, सी पहले आप ये देखिए, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। किसी भी बैंक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि जब भी किसी को पैसे की जरूरत है उसे लोन दे, और लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी है तो उसे पार्क करे अपने पास। पार्क मतलब डिपॉजिट करवाए। सो बैंक में नॉर्मली दो चीजें होती हैं, बैंक लोन देती है, बैंक्स पैसे डिपॉजिट कराती है। आरबीआई बैंकर टू गवर्नमेंट है, मतलब अगर गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा मनी है सो वो आरबीआई के थ्रू इकोनॉमी में डाल सकता है, आरबीआई के पास पार्क कर सकता है, इंटरेस्ट ले सकता है ना। दूसरा, गवर्नमेंट को अगर मनी की जरूरत है तो क्या करेगा, वो आरबीआई से ले सकता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था पहले, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगा वो, राइट। भारत में जितने स्टेट्स हैं वो सभी आरबीआई से सर्विसेज लेते हैं, केवल सिक्किम ऐसा स्टेट है जो आरबीआई से किसी भी प्रकार की, किसी प्रकार की मींस बैंकर वाली सर्विसेज नहीं लेता है। ये अप टू स्टेट है कि वो आरबीआई से सर्विसेज लेना चाहे या ना लेना चाहे। इसके बाद है आरबीआई बैंकर्स टू बैंक है। बैंकर्स टू बैंक मतलब आरबीआई बैंक के लिए, इसे कहते हैं आरबीआई को बैंक ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि जब किसी बैंक को पैसे की जरूरत होगी तो वो आरबीआई से ले सकता है ना। रेपो रेट आप पढ़े होंगे और रिवर्स रेपो, इनके तहत बैंकर्स पैसा ले सकते हैं और पैसा पार्क कर सकते हैं आरबीआई के पास, मींस अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं आरबीआई के पास, आरबीआई से लोन ले सकते हैं व्हेनेवर दे आर इन नीड। अब बात करते हैं दूसरे की, मींस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। आरबीआई करेंसी इशू करती है, आपको पता है आरबीआई करेंसी इशू करती है। आरबीआई एक रुपए से ऊपर की जितनी भी करेंसी होती है वो आरबीआई इशू करती है, राइट। भारत में चार जगह करेंसीज प्रिंट होती हैं, आपको पता होना चाहिए। एक है नासिक, एक है देवास, एक है मैसूर, एक है सलबनी। ये दोनों, मैसूर और सलबनी वाली जगह आरबीआई के द्वारा ओन करी जाती है, बाकी दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। सो आरबीआई से भी मैनेज करने वाली है। सिक्के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिंट किए जाते हैं, आरबीआई के द्वारा नहीं इशू किए जाते, सॉरी प्रिंट नहीं, लेकिन उन्हें मार्केट में, उनका जो फ्लो होगा मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना जो होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आरबीआई की ही होती है। सो ये थी इस करेंसी इशू करने की। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट क्या होता है? आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज, जिसे आप फॉरेक्स कहते हैं, फॉरेक्स का कस्टडियन होता है। कस्टडियन मतलब इसी की देखरेख में होगा, अगर कम हो रहा है तो कुछ ऐसे रेगुलेशन करेगा कि फॉरेक्स बढ़ जाए। नॉर्मली फॉरेक्स में आरबीआई हार्ड करेंसी रखना चाहता है। हार्ड करेंसी क्या होती है? ये वो करेंसी होती है जो इंटायर वर्ल्ड के द्वारा एक्सेप्टेड हो, है ना। जैसे आप उसे रुपीज दे दो पूरी दुनिया को लेना, वो क्यों लेंगे? उन्हें भारत के प्रॉमिस में हो सकता है विश्वास ना हो। लेकिन अगर आप, तो आरबीआई कुछ ऐसे करेंसीज रखेगी जो पूरे वर्ल्ड के द्वारा एक्सेप्टेड हो, जैसे कि डॉलर, येन, यूरो, राइट, पाउंड। आरबीआई इन्हें अपने फॉरेक्स में रखना पसंद करती है। इसके साथ साथ डॉलर, येन, यूरो, पाउंड के साथ साथ आरबीआई रखना चाहती है गोल्ड या फिर एसडीआर। आपको पता है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, आईएमएफ की करेंसी कहा जाता है इसे, है ना। ये करेंसी होती नहीं है, इसे आईएमएफ की करेंसी कहा जाता है। दे आर सिंबॉलिक, राइट। तो आरबीआई ने अपने
फॉरेक्स में रखना चाहेगी, आरबीआई फॉरेक्स की कस्टडियर होती है। इसके बाद है बैंक्स को कंट्रोल भी तो करती है, मैंने यहां पे लिखा नहीं, यहां पे है नहीं, मैं आपको दिखाता हूं। आरबीआई बैंक्स का रेगुलेशन करती है। रेगुलेशन कैसे? भारत में अगर कोई भी शेड्यूल बैंक ओपन होनी है, शेड्यूल बैंक वो होती है जो आरबीआई के शेड्यूल दो में जिनका नाम लिखा हो, जो उसमें रजिस्टर्ड हो, उसे कहते हैं शेड्यूल्ड बैंक। तो अगर भारत में कोई नई शेड्यूल्ड बैंक ओपन होनी है तो आरबीआई ही उसे मान्यता देगी, राइट? बिना इसके आज्ञा के, बिना इसके अलाउंस के नई बैंक नहीं ओपन होती। बैंकों को अगर अपने नई ब्रांचेस खोलनी है, दो तरीके की बैंक हो सकती है, एक इंडियन एक फॉरेन। सो अगर इंडियन बैंक्स को नई ब्रांच खोलनी है कहीं पे, शेड्यूल बैंक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, शेड्यूल बैंक को नई ब्रांच खोलनी है तो वो बिना आरबीआई के खोल सकता है, बिना आरबीआई की इजाजत के खोल सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड 1/4 ऑफ द ब्रांचेज मस्ट बी इन अनबैंक्ड एंड रूरल एरियाज। मींस 1/4 ब्रांचेस उसकी अनबैंक्ड एरियाज में होनी चाहिए, वहां जहां पे बैंक की ब्रांचेस ना हो, जहां पे बैंक्स ना हो, या फिर रूरल एरियाज में होनी चाहिए। अगर ऐसे कंडीशंस को फॉलो कर चुका है बैंक तो वो बिना आरबीआई की इजाजत के नई ब्रांचेस खोल सकता है। हालांकि विदेशी बैंक्स बिना आरबीआई के इजाजत के नई ब्रांचेस नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह आरबीआई बैंक्स का रेगुलेशन भी करता है। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है आरबीआई का। ये सारे टास्क इंपॉर्टेंट थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्यों? मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई कंट्रोल करता है तीन चीजें। पहला ग्रोथ, राइट, दूसरा आप कह सकते हैं इन्फ्लेशन, तीसरा एक्सचेंज रेट। आइए अब हम बात करते हैं एक्सचेंज रेट को आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, कैसे मेंटेन करता है एक्सचेंज रेट को। हम बात करें एक्सचेंज रेट होता क्या है। किसी एक करेंसी का दूसरे करेंसी के मुकाबले वैल्यू, फॉर एग्जांपल रुपीज है हमारी करेंसी, इसकी वैल्यू क्या है 80, किसके मुकाबले $1 के मुकाबले, $1 के मुकाबले, $1 के मुकाबले। मींस अगर आप 80 रुपया देते हो तो आपको $1 मिलेंगे, राइट? यही होता है एक्सचेंज रेट। अब बात करते हैं इसे आरबीआई कंट्रोल कैसे करता है। देखो यहां पे जो भी ये वैल्यू ऑफ करेंसी है, ये या तो वीक हो सकती है या फिर स्ट्रांग हो सकती है। वीक होने का मतलब और स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? मान लीजिए करेंसी है 80 रुपीस पे अभी, और ये स्ट्रांग हो रही है। स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? अभी तक इसके जो अगेंस्ट में थी $1, मान लो 80 रुपए इज इक्वल टू $1, और अगर स्ट्रांग होती है तो ये हो गया ₹70 इक्वल टू $1। अगर ये वीक होती है तो ₹90 इक्वल टू $1। इसमें ₹10 पैसे ने अपनी करेंसी ने लूज किए हैं, इसमें ₹10 अपनी करेंसी ने गेन किए हैं। ये हुआ किसी भी करेंसी का स्ट्रांग होना, ये हुआ किसी भी करेंसी का वीक होना। आया आपको समझ में? अब देखिए, जब करेंसी स्ट्रांग होती है इसे अप्रिसिएट होना कहते हैं, जब करेंसी वीक होती है तो इसे डेप्रिसिएट होना कहते हैं। कोई भी कंट्री अपनी करेंसी को हमेशा एक रेंज में रखना चाहती है, कभी नहीं चाहती कि उसकी करेंसी बहुत ज्यादा अप्रिसिएट हो जाए, कभी भी कोई कंट्री नहीं चाहती कि उसके यहां की करेंसी बहुत ज्यादा डेप्रिसिएट हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगी तो इसके अपने फायदे हैं,
और इसके अपने नुकसान भी हैं। अगर करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा डिप्रिसिएट होने लगी, इसके भी अपने फायदे हैं और इसके अपने नुकसान भी हैं। आइए हम उन फायदों और नुकसान की बातें करते हैं। अगर करेंसी की वैल्यू अप्रिसिएट हो रही है, माइंड में रखिए अप्रिसिएट मतलब 80 से 70 होना, एक्सचेंज रेट इसका 80 से 70 होना, मींस एक डॉलर के मुकाबले बस 70 रुपए, अभी तक 80 रुपए, तो ये स्ट्रांग हुआ, अप्रिसिएट हुआ। अगर पैसे की वैल्यू स्ट्रांग हो रही है, करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, तो फिर जो डेट है, डेट मतलब उधारी, वो अपने आप कम हो जाती है। उदाहरण देने दीजिए मुझे, आपने किसी से 80 रुपए लोन पे लिए, आपको वो रुपए में तो लोन नहीं देगा, जाहिर सी बात है, वो डॉलर में देगा, एक डॉलर आपको उसने दिया। अब आपको 80 रुपए, ऐसे नहीं, ये वाली कंडीशन आपको अच्छी नहीं लगेगी, आप ऐसे देखिए, आपने किसी से एक डॉलर लोन पे लिया, इसकी वैल्यू उस समय थी 80 रुपीस, तो आपको मिले 80 रुपए, बाद में एक डॉलर की वैल्यू हो गई 70 रुपीस, आप एक डॉलर वापस कर दीजिए, आपको कितने देने पड़े, 70 रुपए। अगर भारत ने किसी से एक डॉलर लोन पे लिया है, एक डॉलर के बदले उसे मिल रहे थे 80 रुपए, बाद में इस करेंसी की कीमत हो गई 70 रुपए, हम उन्हें सिर्फ 70 रुपए देंगे, क्योंकि हम तो एक डॉलर ही देंगे ना उन्हें। इस तरह डेट अपने आप कम हो जाता है। दूसरा, इंपोर्ट चीप हो जाता है। चीप होना मतलब आसान होना, जैसे आप कुछ मंगाइए, आप अभी तक कुछ मंगा रहे थे एक डॉलर का, जो था एक डॉलर के लिए आप अभी तक 80 रुपीज दे रहे थे, अब उसी एक डॉलर के लिए आपको सिर्फ 70 रुपए देने हैं, तो इंपोर्ट 10 रुपए सस्ता हुआ ना। तो जब पैसा अप्रिसिएट करेगा, जब मनी की वैल्यू स्ट्रांग होगी, तब इंपोर्ट करना आसान होगा। इस टाइम लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो इन्वेस्टमेंट है वो गिर जाता है। इन्वेस्टमेंट क्यों गिर जाता है, आप ये देखिए, अभी तक कोई व्यक्ति, फॉरेन का व्यक्ति हमारे यहां एक डॉलर इन्वेस्ट कर रहा था, उसे 80 रुपए का काम मिल रहा था, अब वो एक डॉलर इन्वेस्ट करेगा, उसे सिर्फ 70 रुपए का काम मिलेगा, 10 रुपए का लॉस होने लगा ना। अब करेंसी बहुत ज्यादा अगर अप्रिसिएट कर गई तब क्या होगा, बहुत ज्यादा अप्रिसिएट की कंडीशन में भाई साहब की जो वैल्यू है 70 से हो सकता है 50 आ जाए, है ना। इसलिए कोई भी कंट्री अपने यहां की करेंसी को बहुत ज्यादा अप्रिसिएट नहीं होने देती, अदरवाइज उसके यहां इन्वेस्टमेंट रुक जाता है। आया समझ में। अगर अब हम देखें अप्रिसिएशन को इन्फ्लेशन से, आपको पता होना चाहिए इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन में किसी भी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, यहां पे वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कम होगा, क्योंकि करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो रही है। अब हम एक साथ अगर लिखना चाहें अप्रिसिएशन की कंडीशन में, तो इंपोर्ट कैसा होगा, चीप हो जाएगा, इजी हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, डेट देना वापस करना आसान हो जाएगा, तो डेट ऑटोमेटिकली कम हो रहा है, इंपोर्ट करना आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, राइट। ये होती है अप्रिसिएशन के फायदे और लॉस। अब हम बात करें डेप्रिसिएशन के फायदे और लॉस। डेप्रिसिएशन मतलब आपकी जो करेंसी है वो वीक हो रही है ना, इसका मतलब आपको इंपोर्ट जो है वो महंगा पड़ेगा, ये कॉस्टली हो जाएगा। कॉस्टली कैसे, अभी तक आप इंपोर्ट के लिए 70 रुपए दे रहे थे, अब 80 रुपए देने लगेंगे, तो 10 रुपए महंगा हो गया ना। दूसरी कंडीशन ये है, आपका एक्सपोर्ट आसान हो जाएगा, एक्सपोर्ट चीप हो जाएगा। तो ये एक स्थिति ये बनती है कि हो सकता है अगर आपके यहां की करेंसी वीक हो जाए तो आप चीजें आसानी से एक्सपोर्ट करने लगे। क्यों,
कोई एक डॉलर देता आपको अभी तक तो आप 70 रुपए का सामान देते उसे, अब आप $1 में 80 रुपए का सामान देंगे उसे। ये स्थिति हुई एक्सपोर्ट के इजी होने की। लेकिन ऐसे ही स्थिति में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ जाता है? इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ेगा? $1 में 70 रुपए का सामान मिल रहा था, अब $1 में 80 रुपए का सामान मिलता, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया ना। तो जाहिर सी बात है लोग वही इन्वेस्ट करते हैं जहां पे कम रुपए में, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट होना हो, ज्यादा पोसेशन हो जाए उनका, राइट? तो ये वो स्थिति होगी। ये हुए अप्रिसिएशन के और डिप्रिसिएशन के फायदे। अब हम बात करते हैं अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन होता कैसे है, तीन सिस्टम क्या है। पहला क्या है? फ्री फ्लोट सिस्टम। फ्री फ्लोट सिस्टम क्या है? फ्री फ्लोट सिस्टम वो होता है जिसमें ये सारी चीजें केवल मार्केट के द्वारा कंट्रोल करी जाती है। इसमें सेंट्रल बैंक का, जैसे आरबीआई हुई या यूके की इंग्लैंड वाली बैंक हुई, इनका कोई रोल नहीं होता है। अगर आरबीआई, हमारे यहां ये सिस्टम होता फ्री फ्लोट, तो आरबीआई का कोई रोल नहीं होता। हमारे यहां दूसरा सिस्टम है, अभी फ्री फ्लोट हम देख रहे हैं। सो मान लीजिए आरबीआई जैसी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, सॉरी सेंट्रल बैंक है, तो इसका कोई भी रोल नहीं होता अगर फ्री फ्लोट सिस्टम होता तो। इसमें चीजें केवल डिमांड और सप्लाई से कंट्रोल होती है। सो अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ठीक नहीं है, तो वैल्यू बढ़ने वाली है। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो वैल्यू घटने वाली है। ये सिंपल फॉर्मूला यहां पे होता है। ये हुआ मार्केट से कंट्रोल होने वाला। ये अक्सर डेवलप्ड इकोनॉमी द्वारा फॉलो किया जाता है, जैसे यूएस, राइट? मींस यहां पे जो वैल्यू है किसी करेंसी की, वो सिर्फ मार्केट कंट्रोल करेगी, डिमांड और सप्लाई कंट्रोल करेंगे। अब हम आते हैं अपनी दूसरी सिस्टम पे, जिसे हम कहते हैं डर्टी फ्लोट सिस्टम। डर्टी फ्लोट सिस्टम क्या होता है? ये वो होता है जिसमें मार्केट कंट्रोल करती है, लेकिन अगर वैल्यू एक रेंज के बाहर जा रही है, एक इमोशनल रेंज के बाहर जा रही है, तो सेंट्रल बैंक भी कंट्रोल करती है। जैसे इंडिया में अगर वैल्यू 60 से 75 के आसपास है, तब आरबीआई इंटरफियर बहुत ज्यादा नहीं करेगी। इनफैक्ट ये 70-75 के आसपास है, तब भी आरबीआई इंटरफियर नहीं करेगी। लेकिन ये वैल्यू 80 पहुंच जाए, तब आरबीआई तुरंत इंटरफियर करेगी, और वो चाहेगी कि वैल्यू थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए, थोड़ा सा अप्रिसिएशन हो जाए, और बहुत ज्यादा अगर मींस रेंज के बाहर जा रहा है अप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन, तो सेंट्रल बैंक भी इन्वॉल्व होती है। सेंट्रल बैंक कौन कौन से कदम उठाती है आप ये देखो। अगर अप्रिसिएशन हो रहा है, तो अप्रिसिएशन होने का मतलब मान लो ये इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, अगर अप्रिसिएशन हो रहा है पैसे का, मींस हमारी करेंसी का अप्रिसिएशन हो रहा है, स्ट्रांग हो रही है, इसका मतलब क्या है? जिसकी सप्लाई ज्यादा हो जाती है उसकी वैल्यू हमेशा कम हो जाती है। अगर डॉलर की सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो इसकी वैल्यू कम होने वाली है, ठीक है? तो अगर मनी स्ट्रांग हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? डॉलर की सप्लाई ज्यादा हो रही है मार्केट में। सो अगर आरबीआई मार्केट से डॉलर उठा ले, तो क्या होगा? डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी, मनी की वैल्यू ऑटोमेटिकली, वेट अ सेकेंड, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज है, डॉलर की सप्लाई ज्यादा हुई तो मनी की वैल्यू ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी। मनी मतलब हमारे रुपीस की वैल्यू ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी। ये हुई डॉलर के बाद।
सो डॉलर को कम कर देगा अगर आरबीआई मार्केट से, तो क्या होगा, रुपीज की वैल्यू कम होने लगेगी, यही बात है। तो आरबीआई को करना क्या है, डॉलर को मार्केट से बाई कर लेना है। डॉलर कैसे बाई होता है अब आप ये बताएं, मैं आपको बताता हूं, बाई करने का मतलब है एक्सचेंज कर लेना है। आरबीआई मार्केट से डॉलर उठा लेगा और इसकी जगह इंडियन करेंसी डाल देगा। इसका मतलब क्या हुआ, सप्लाई किसकी ज्यादा हो गई, इंडियन करेंसी की हो गई। जब इंडियन करेंसी की सप्लाई ज्यादा हो गई तो इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। अब आप ये देखिए, ये आपको समझ में आया, सप्लाई ज्यादा तो वैल्यू कम। डॉलर का इंडियन इकोनॉमी में इनफ्लो ज्यादा हो गया, इसके कारण डॉलर की वैल्यू कम हो गई। आरबीआई ने डॉलर को शक कर लिया, शक करने का मतलब एक्सचेंज कर लिया या बाय कर लिया, इससे इंडियन इकोनॉमी में इंडियन करेंसी ज्यादा हो गई तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली एक्सचेंज रेट में कम हो गई। आया समझ में? लेकिन यहां पे आप ये देखिए, जब इंडियन करेंसी जिसे आप रुपीस कहते हैं मार्केट में आ गई बहुत ज्यादा, तो ये इन्फ्लेशन भी तो कर सकती है ना। लोगों के पास ज्यादा मनी होगा, ज्यादा मनी होगा ज्यादा डिमांड होगी, ज्यादा डिमांड होगी ज्यादा इन्फ्लेशन होगा। तो इस पैसे को भी मार्केट से उठाना है, तो आरबीआई अब इसे भी उठा लेगी मार्केट से। कौन सी स्कीम के तहत, MSS means Market Stabilization Scheme के तहत, means RBI इन मनी को उठा के अपने पास ले जाएगी, उठा के मतलब सिक्योरिटीज बेचेगी, सिक्योरिटीज बेच के ये मनी वापस RBI के पास जाएगा और RBI से अपने पास रखेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं देगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देती तो ये MSS की जगह OMO हो जाता, लेकिन MSS में क्या होता है, जो भी मनी मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करके वापस लिया जाता है वो गवर्नमेंट को एज अ लोन नहीं दिया जाता, सो MSS भी आएगा इसमें। ये हुई अप्रिशिएशन की स्थिति। अब हम बात करते हैं डेप्रिशिएशन की स्थिति, मींस मनी जिसे हम कहते हैं अपना रुपीस, अपना करेंसी बहुत ज्यादा वीक होने वाला हो, बहुत ज्यादा वीक होने लगे तो क्या होगा, आरबीआई इंटरवीन करेगी। जैसे अभी क्या हुआ था, 80 रुपीस पहुंच गया था एक डॉलर, इवन प्लस 83 के आसपास, तो आरबीआई ने इंटरवीन किया ना, आरबीआई ने इंटरफियर किया। देखते हैं कैसे करती है, स्टेप्स क्या होते हैं इसका। पहले आप ये देखिए, कौन सी स्थिति होगी जब इंडियन करेंसी वीक होगी, जब डॉलर इंडियन इकोनॉमी से बाहर जाने लगेगा बहुत ज्यादा तेज, तब सप्लाई कम हो जाएगी। जब डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी किसके मुकाबले, हमारी इंडियन करेंसी के मुकाबले बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, तब डॉलर का रेट बढ़ने लगेगा, है ना। अब देखिए आरबीआई क्या करेगी इस आउटफ्लो को रोकने के लिए। आउटफ्लो मींस डॉलर का इंडियन इकोनॉमी से बाहर जाना, इसे रोकने के लिए आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई बैंक्स को बोलेगी, भाई साहब एक काम करिए, जो NRI लोग हैं इनके पैसों पर, इनके डिपॉजिट्स पे, इनकी सेविंग्स में आप ज्यादा इंटरेस्ट दीजिए। जैसे डॉलर इंडियन इकोनॉमी से बाहर जा रहा था, बैंक से बोला इन्होंने आप 6% की जगह 8% लोन दीजिए। अब लोग क्या करेंगे, जो NRI लोग हैं, भारत की गवर्नमेंट में पैसा रखेंगे ना, भारत की बैंक्स में पैसा रखेंगे, जब भारत की बैंक्स में वो डॉलर रखेंगे, ऑफकोर्स NRI डॉलर ही रखेगा, जब वो भारत की बैंक्स में डॉलर रखेंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी, आउटफ्लो रुक जाएगा। जब सप्लाई बढ़ जाएगी तब डॉलर अपने आप वीक होना स्टार्ट करेगा और जो डिप्रिसिएशन की स्थिति होगी भारत में वो अप्रिसिएशन में कन्वर्ट होने लगेगी। सो अगर बैंक्स से आरबीआई बोले NRI अकाउंट्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, तो आरबीआई अप्रिसिएशन करना चाहती है। हालांकि ये सिर्फ शॉर्ट रन के लिए अच्छा है, लॉन्ग रन के लिए बुरा है, क्योंकि जैसे 100 रुपए थे ये बाहर जा रहे थे इकोनॉमी से, आरबीआई ने कहा इन पे इंटरेस्ट लगा दो, ज्यादा कर दो इंटरेस्ट, ज्यादा कर दो इंटरेस्ट रेट, ज्यादा कर दो। अब ये एक साल बाद जाएंगे तो इसमें 100+ इसका 6% भी जुड़ जाएगा ना, तो अब तो ज्यादा डिप्रिसिएट होगा, लेकिन अभी तुरंत के लिए स्थिति रुक जाएगी, इसलिए आरबीआई ये वाला कदम बहुत कम उठाती है।
दूसरी स्थिति क्या होगी, आरबीआई अपने फॉरेक्स से, फॉरेक्स में जैसे मैंने बताया आपको अभी, आरबीआई क्या क्या रखती है, येन रखती है, डॉलर, पाउंड, यूरो, गोल्ड एंड एसडीआर रखती है। इसमें से डॉलर को सेल करना स्टार्ट कर देगी, डॉलर को मार्केट में बुला देगी और यहां से इंडियन रुपीज इसके बदले एक्सचेंज कर लेगी। अब सप्लाई किसकी हो गई ज्यादा, डॉलर की सप्लाई ज्यादा हो गई। जैसे ही सप्लाई ज्यादा होगी वैल्यू कम होना स्टार्ट कर देगी और इंडियन करेंसी मजबूत होने लगेगा। ये समझ में आया। हालांकि इसके तहत आरबीआई अपने सारे डॉलर नहीं बेच सकती है, केवल 6% ही सेल कर सकती है। अगला कदम क्या उठा सकता है आरबीआई, मैंने अभी आपको कौन कौन से बताया। पहला कदम क्या था, पहला कदम था कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। दूसरा कदम यह है कि आरबीआई डॉलर सेल करेगी। तीसरा कदम है आरबीआई एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की वैल्यू बढ़ा देगी। जैसे आरबीआई ऐसी मान लो शर्ते रखे कि कोई भी स्टेट है वो विदेश से अपनी जीडीपी का केवल 2% ले सकता है लोन। आरबीआई को लगा कि डॉलर कम है मार्केट में, इनफ्लो नहीं हो रहा, तो आरबीआई बोलेगा भाई साहब आप 3% ले सकते हो। तो अभी तक ये 2% ही ले रहे थे, अब ये 3% लेने लगे तो डॉलर ज्यादा आने लगेगा मार्केट में। जैसे ही डॉलर ज्यादा आया वैल्यू कम। अब देखते हैं आगे चौथा कदम। आपको पता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लोग भारत में इन्वेस्ट करते हैं। आरबीआई अगर बहुत ज्यादा टफ रूल बना देगी तो कोई इन्वेस्ट करेगा नहीं करेगा। सो अगर कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा और उसी के साथ साथ भारत में जो डॉलर का आउटफ्लो है वो बहुत तेज है तो क्या होगा, आरबीआई इन रूल्स को इजी कर देगी। और जब आरबीआई इन रूल्स को इजी कर देगी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आने लगेगा। और जैसे ही इन्वेस्टमेंट आने लगेगा, डॉलर में ही इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉरेन वाले रुपीस में तो करेंगे नहीं, तो क्या होगा आपको पता ही है, वैल्यू कम हो जाएगी। ये हुई डिप्रिसिएशन के टाइम की स्थिति। एक चीज और हो सकती है, जैसे भारत वाले विदेश से बहुत चीजें इंपोर्ट करते हैं, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उन्हें डॉलर में पैसा देते, डॉलर में पे करते हैं, पैसा नहीं देते, डॉलर में पे करते हैं। जैसे हमने पेट्रोल लिया, पेट्रोल तो हम नहीं लेते, क्रूड ऑयल लेते हैं, क्रूड ऑयल लिया तो हमने उन्हें डॉलर में पे किया। तो आरबीआई जो चीजें नेसेसरी नहीं है, जैसे गोल्ड नेसेसरी नहीं है, तो आरबीआई बोलेगा इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है, इसे भी कम कर दो, इस पे डॉलर नहीं जाएगा, आउटफ्लो कम हो जाएगा। आरबीआई कई बार ऐसी भी शर्तें रखती है लोगों से, जैसे रसिया से हमने कहा कि अब हम आपको पेमेंट डॉलर में नहीं देंगे, रुपीज में देंगे, प्लीज ले लो यार। रसिया की हालत खराब है, कोई उससे इस समय ट्रेड नहीं कर रहा, रसिया ने कहा ठीक है रुपीज दे देना। तो भारत से डॉलर का आउटफ्लो नहीं होगा, रुपीज का आउटफ्लो होगा, तो अपने आप रुपया इंक्रीज होगा, मीन्स इसकी वैल्यू मार्केट में इंक्रीज होगी, ये स्ट्रॉन्ग होगा। ये कदम भी आरबीआई उठा सकती है। तीसरा सिस्टम होता है पेग्ड सिस्टम। पेग्ड सिस्टम में केवल सेंट्रल बैंक ही परफॉर्म करती है, मार्केट का कुछ लेना देना नहीं, मेरा जितना मन होगा मैं अपनी करेंसी की वैल्यू उतनी कर दूंगा। इस सिस्टम की मार्केट में कोई भी इज्जत नहीं होती है। जो भी कंट्रीज इसे फॉलो करते हैं उन्हें मनी मैनिपुलेटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैनिपुलेटर, क्योंकि इन्होंने अपनी करेंसी की वैल्यू मैनिपुलेट कर दी। जैसे चाइना, चाइना सो क्यों उठता है और बोलता है आज से मेरी करेंसी की वैल्यू 68 रुपए, और ये हमेशा अपनी करेंसी की वैल्यू इतनी कम ही रखेगा। क्यों, इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां पे सस्ते वर्कर है, वहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या फिर ऐसी पॉलिसीज है, एक कारण ये भी है कि वो पेग्ड सिस्टम फॉलो करता है और पेग्ड सिस्टम के कारण उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है। जितने भी कंट्रीज है डेवलप्ड डेवलपिंग जो बाकी दोनों सिस्टम फॉलो करते हैं वो हमेशा वो ट्रेड के तहत इनसे कहेंगे कि भाई साहब आप वो सिस्टम फॉलो करिए जो हम करते हैं। जैसे कि डेवलप्ड इकोनॉमी डेवलपिंग से बोलेगी कि आप क्लीन फ्लोट सिस्टम करिए, फ्री फ्लोट सिस्टम करिए जो हम फॉलो करते हैं।
डेवलपिंग बोलेगी चाइना जैसी कंट्रीज से कि भाई साहब आप कम से कम मार्केट और मनी दोनों वाला कर दीजिए, है ना, जो हम कर रहे हैं, आप डर्टी सिस्टम फॉलो करिए, आप तो पेक्ट कर रहे हैं, और पेक्ट वाले बोलेंगे मेरा ही अच्छा है। सो अगले क्लास में हम जुड़े पढ़ेंगे बैंकिंग के बारे में, और जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।